पाकिस्तान एयरफोर्स में जो भर्ती अनाउंसमेंट की गई है उसकी मुकम्मल डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या और ये भर्तियाँ कब स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे यहाँ आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद वहाँ पर आपने सर्च करना है jobcity.com। जैसे आप सर्च करें कुछ इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा, तो आपने जॉब सिटी पार्क के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने शो हो जाएगा, तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको और भी बहुत से महकमों की वैकेंसियाँ मिलेंगी, तो यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है पाकिस्तान एयरफोर्स 2022। जैसे ही आप इसे क्लिक करके ओपन करेंगे इसकी सारी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो इसमें जो तलीम है या उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आपने आना है, इसकी डिटेल आ रही है। इसमें जो तलीम है वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एफ़ ए, एफ एस सी, आई सी एस, बैचलर, मास्टर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान से अप्लाई होने जा रहा है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। तो ये भर्ती कब होने जा रही है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ये इसकी वैकेंसी आ रही है। रेगुलर टीचर है, इसकी जो एज लिमिट है 25 से 28 साल होनी चाहिए। आपकी एडिक्शन स्ट्रक्चर है जो इसकी एज लिमिट है 22 से 28 साल होनी चाहिए। एरो ट्रेडर है जो एज लिमिट इसकी 15 से 20 साल होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन है जो इसकी एज लिमिट 15 से 20 साल होनी चाहिए। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे इसका जो अप्लाई है वो ऑनलाइन, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में तो ये उनकी वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आपने क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। इसका अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, वो भी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको इनका एक पेपर मिलेगा। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 28 मार्च तक, 3 अप्रैल 2022 तक है। 28 मार्च से ये इसकी भर्ती स्टार्ट हो रही है, अभी सिर्फ ये अनाउंसमेंट की गई है। तो बाकी इस पेपर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।